नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैलेंट। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आने वाले राशिफल के बारे में। आपके हम प्रेडिक्शंस कवर करेंगे आपके आने वाले हफ्ते की, जो कि 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली राशि जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है एरीज। तो आइए पता करते हैं कि एरीज साइन के लिए उनकी लव लाइफ और उनके करियर मनी को लेके क्या मैसेज है। अगर हम उनके लव लाइफ की बात करें, अगर हम उनके रिलेशनशिप की बात करें, तो देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मीटिंग समवन, या फिर कुछ ऐसा समझिए कि कोई रिश्ता है जो आपकी आपके लिए आने वाला है, या फिर आप किसी को अप्रोच करने वाले हैं, किसी के लिए आपने जो है अब किसी को आपने प्रपोजल भेजा है और अब आप उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर हम मनी की बात करें तो मनी को लेके थोड़ी सी दुविधा थोड़ी सी शो करती है कार्ड के अंदर, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम शो करता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। वो जो प्रॉब्लम है उससे आप धीरे धीरे उससे आप बाहर आ रहे हैं। वो जो एक मनी का जो क्रंच है, वो जो आपको कुछ टाइम से चल रहा था, अब आप उसको उस क्रंच को जो है तोड़ना शुरू कर दिया है आपने और अब आप उससे बाहर आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस राशि के लिए क्या मैसेज है। टॉरस राशि के लिए इज़ अ वेरी गुड मैसेज एट दिस मोमेंट। टॉरस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा एक समय शो कर रहा है। एक अच्छी फैमिली शो कर रही है, एक ऐसा समय शो कर रहा है जिसके अंदर आप जो है किसी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, किसी के साथ जो है एक रिलेशनशिप जो है उसको बना पाएंगे, उसको शुरू कर पाएंगे। उसकी एक बहुत अच्छी एक एक्सपेक्टेशन जो है शो करती है, या फिर एक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर जो है देर इज़ अ फ्रूटफुलनेस विच इज़ हैपनिंग, कि आप थोड़ा उस आदमी के और करीब आ पाएंगे। और अगर हम मनी की बात करें, अगर हम करियर की बात करें, तो थोड़ा सा एक क्रंच शो कर सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम शो कर सकता है। लेकिन अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ मनी को लेके, द फाउंडेशन ऑफ द मनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू टॉरस। तो आपको मनी को लेकर इतनी दिक्कत नहीं हो, छोटी मोटी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट दिस इज़ लाइक वेरी माइनूट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट राशि, जो कि है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए लव का मैसेज और करियर और मनी का मैसेज। जेमिनाई के लिए लव का और रिलेशनशिप को लेके बहुत एक ब्यूटीफुल एक मैसेज शो कर रहा है। मैसेज कुछ ऐसा है कि किसी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप शो करता है आपका, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ मैरिज का जो है टाइम आ गया है, कि जैसे कि आपका ऑलरेडी किसी के साथ फिक्स हो गया है और एनी मोमेंट यू कैन एक्चुअली गेट मैरिड टू दिस पर्सन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। हम इसके अंदर देख सकते हैं कि लाइक द प्रीस्ट इज़ एक्चुअली ब्लेसिंग द कपल। मनी को देखते हुए हम एक मैसेज देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तरह का इल्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपको कोई प्रलोभन देने की कोशिश करे, हो सकता है आपको कोई लालच देने की कोशिश करे, और पर्पस उसका यही होगा कि आपसे कुछ पैसे ऐंठना। इस वक्त आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, कि आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है अगर इस वक्त, तो बहुत सोच समझ के करनी है। जो कार्ड का जो रियल मैसेज है वो आपको यही कहेगा कि यू नो सिट बैक रिलैक्स, और जब टाइम आएगा यू विल हैव अ क्लियर मैसेज व्हेन टू इन्वेस्ट। अभी इस वक्त के लिए आपको कार्ड यही बोलता है कि रिलैक्स करिए, अभी कुछ इन्वेस्टमेंट मत करिए इस वक्त। तो चलिए नेक्स्ट राशि के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट राशि है कैंसर। कैंसर के लिए हमने निकाला है अभी लव के लिए एक कार्ड, लव और रिलेशनशिप के लिए, और दूसरा हमने कार्ड निकाला है उसके करियर और मनी को लेके, बिजनेस को लेके। सो अगर हम बात करें उनके लव लाइफ की और अगर उनके रिलेशनशिप की, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि जो चीज़ें जो हैं जहाँ पे कुछ अनबन हो रखी है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोबारा से वहाँ पे आप एक कनेक्शन बना पाएंगे। कोई रूठा हुआ है तो उसको जो है मनाने का वक्त जैसे आ गया है, या फिर कुछ एनर्जी ऐसी बन गई है कि दोबारा से आप इकट्ठे होने की जो है पॉसिबिलिटी आप दोनों की बन रही है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अगर हम मनी की बात करें तो एक बहुत एक ब्यूटीफुल एक कार्ड आया है जो कि मनी से ही रिलेटेड है, और हमें इसमें जो है मैसेज ये आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, पोटेंशियल के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग योरसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर मेकिंग योरसेल्फ केपेबल ऑफ मेकिंग मनी। ये साइन ये है कि आप अपनी लाइफ में जो मनी है वो उसको इस्टैब्लिश कर रहे हैं, और उस मनी के इस्टैब्लिशमेंट के कारण आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो पूरे हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। नेक्स्ट राशि है लियो। तो आइए पता लगाते हैं कि लियो राशि के लिए कार्ड के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है।
लेट्स फाइंड आउट. सो अगर हम लव की बात करें, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विच इज शोन एट द मोमेंट. लियो के लिए अभी जो है थोड़ा सा सबसे बड़ी एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. एक कोई रिलेशनशिप जो कि टूट गया है, या फिर एक जो एक दुख का समय, जो एक पुराना एक वूंड जो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ अब आप अभी भी जो है बहुत ज़्यादा अटैच है. कार्ड का जो गहरा मैसेज वो यही आता है कि दिस इज़ टाइम टू स्लोली यू नो कम आउट ऑफ दिस. स्लोली अब आप अपने आप को हील करना शुरू करिए और स्टार्ट लुकिंग एट द ब्राइटर साइड. आई नो इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं होगा कि जो आपकी लाइफ में जो दुख आपकी लाइफ में हो गया है कि आप उसको छोड़ के जो है अब आप जो है कुछ नया देख सकें. इट्स नॉट ईजी, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड मैसेज. इट्स स्टिल यू नो साइन ऑफ होप कि अगर आप थोड़ी सी जो है अपने आप को पुश करेंगे तो यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. मनी की बात करें तो मनी इज़ एट अ वेरी इस्टेब्लिश प्लेस एट द मोमेंट. मनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है. आपको मनी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू आर ऑलरेडी एट अ प्लेस जहाँ पे आपको मनी की अच्छे से फुलफिलमेंट मिल रही है और आपको जो भी चाहिए वो आपको जो है मदर अर्थ जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, वो आपको हेल्प कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. तो ये था लियो के लिए. लेट्स फाइंड आउट अबाउट वर्गो नाउ. वर्गो के लिए हमने लव के लिए एक कार्ड निकाला है, लव रिलेशनशिप के लिए, और एक हमने दूसरा कार्ड निकाला है उनको मनी को लेके. सो अगर हम बात करें लव की, रिलेशनशिप की, तो उनके लिए एक बहुत एक मिस्टीरियस एलिमेंट, एक उनके लिए एक बहुत मिस्ट्री का एक कार्ड आया है. उसमें कुछ ऐसा कुछ आता, इसमें आप कुछ ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं होना चाहते. आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं जुड़ना चाहते. सो एक तरह का असमंजस, एक तरह की ऐसी स्थिति कि आप किसी के साथ जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है. कार्ड में जो मैसेज आता है गहरा आपके लिए वो ये है कि आप इस चीज़ को क्लैरिटी में लेकर आइए कि व्हाट एक्चुअली यू वांट इन लाइफ. अगर आपको इस व्यक्ति के साथ होना है, अगर आपको इस आदमी के साथ जो है फर्दर आपको इस रिलेशनशिप में जाना है, तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी. ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक स्टेप लें और दो स्टेप पीछे चले जाएँ. दिस वे नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट. सो द टाइम हैज़ कम टू ब्रिंग क्लैरिटी इन टू योर लाइफ. और अगर हम मनी की बात करें तो मनी को लेके कोई परेशानी नहीं है. देर इज़ अ वेरी इस्टेब्लिश्ड फोर्स विच इज़ देयर. इट्स लाइक द मदर अर्थ इज़ विद यू, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद वॉट एवर मनी यू नीड. बट थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ समय के लिए ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल कुछ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू. तो ये था वर्गो के लिए. लेट्स मूव ऑन टू लिब्रा नाउ. लिब्रा के लिए ये मैसेज है कि दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली नाउ. इट्स टाइम विच हैज़ कम नाउ टू बिकम वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट. जितनी क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी आप उतने अच्छे से आप अपना रास्ता चूज कर पाएंगे. ये मैसेज है लिब्रा के लिए. और रिलेशनशिप के अंदर भी उसके अंदर यही कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है कि जब आपके अंदर वो जो क्लैरिटी आ गई है, इफ़ यू फाइनली यू कैन सी व्हाट इज़ गुड फॉर यू, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन. It's time to go into the right direction. Ab it's time not to be stuck into something which you don't want to be. It's time to go and take the right direction for yourself. Aur agar hum money ki baat kare, it's like ek bahut achhi ek situation show karti hai jisme aapko ki ek tarah ki possibility, ek tarah ki potential, ek tarah ka gift aapko offer kiya ja raha hai, a gift of money. Agar aap is opportunity ko jo hai agar aap dhyan se dekhenge to aap isko le payenge, इसको जी पाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को जो है अपनी लाइफ में उतार पाएंगे. सो व्हाट इज़ नीडेड इज़ द इन्वॉल्वमेंट. वो कहते हैं कि जो अपनी मदद करता है भगवान उनकी मदद करता है. सो मेक श्योर यू हेल्प योरसेल्फ सो दैट गॉड कैन हेल्प यू अचीव दिस गिफ्ट. तो ये था लिब्रा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि विच इज़ स्कॉर्पियो. तो स्कॉर्पियो के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं. सबसे पहले स्कॉर्पियो के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा. It's important that you don't get influenced with people around. आसपास के लोगों से influence मत होइए. अपने original idea को देखिए जो आप चाहते हैं, जो आप जीना चाहते हैं. बहुत बारी हम दूसरों के ideas को लेके, अगर पड़ोसी ने अच्छी गाड़ी खरीद ली है तो आपको भी वही सेम गाड़ी चाहिए. अगर आपकी दोस्त ने एक अच्छी साड़ी ले ली है जो कि महंगी साड़ी है, अब आपको भी वही सेम साड़ी चाहिए या फिर वही सेम ज्वेलरी चाहिए. सो इट्स जस्ट लाइक you are getting influenced with people around.
what I'm trying to tell you here through this in this card is, you know, that don't get influenced by these people, you know. You know, find out your original idea. Find out what you really want. Or इसी से कनेक्टेड है हमारा रिलेशनशिप का कार्ड कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस विद पीपल की जो आपको बोलते हैं कि आपके आपका रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए या उस तरह का होना चाहिए, आपकी लाइफ में इस तरह का पार्टनर होना चाहिए या उस तरह का पार्टनर होना चाहिए. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गुड फॉर यू. आपको वो पार्टनर चूज़ करना है जो आपको जो जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ, जिसके साथ आप आगे बढ़ पाओ. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. और अगर हम मनी की बात करें तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है. दिस इज़ लाइक इट्स गिवन टू यू, इट इज़ वेरी मच इन योर हैंड. कुछ ऐसा समझिए कि एक एनर्जी आपके हाथ में है, लेकिन जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप उसके अंदर जो है देर विल बी नो रिजल्ट विच कैन कम आउट ऑफ इट. अगर शक्ति अगर आपके पास है, अगर आप उस शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्ट्रॉय कर देती है. इन क्योंकि बिकॉज दैट एनर्जी इज बीन गिवन टू यू, दिस एनर्जी हैज़ अ पर्पस. इफ़ यू डोंट यूज इट देन दिस एनर्जी विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग यू बैक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द एनर्जी कम्स टू यू, यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट, यू हैव टू विजुलाइज इट, यू हैव टू गिव इट अ डायरेक्शन व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. सो दिस वॉज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि, नेक्स्ट सन साइन विच इज सैजिटेरियस. सैजिटेरियस, लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर सैजिटेरियस. सैजिटेरियस के लिए सबसे पहली मैसेज जो है वो ये आ रही है कि जो आपने एक सीड बोया था, जो आपने जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिस यात्रा को आपने शुरू किया था, उस यात्रा का जो है बहुत एक अच्छा एक कंप्लीशन शो करता है. वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के साथ भी वो बात जुड़ी हुई है. वो इसलिए क्योंकि जो आपने रिलेशनशिप चाहा था वो कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में वो रिलेशनशिप वो शो कर रहा है कि वो वक्त आ गया है कि वो रिलेशनशिप आपको वो दिया जा रहा है. और दूसरी बात ये भी है, अगर हम इसके अंदर हम शादी की भी बात कर सकते हैं, कि जो जिस व्यक्ति के साथ, जिस लड़का या लड़की के साथ आप कनेक्ट होना चाहते थे, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, वो एक सिचुएशन बन रही है कि आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन. अगर हम मनी की बात करें तो देर इज़ लिटिल बिट ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट विच इज शोन, कि आपके अंदर एक ये आप कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको मन में इतना ज़्यादा जो है आपको जो आपको इतना पसंद नहीं है और जिसके कारण एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा है. सो द डीपर मैसेज ऑफ दिस कार्ड इज, सो ट्राई टू डू थिंग्स यू नो विच यू लव डूइंग. ट्राई टू यू नो कनेक्ट विद दोज प्रोजेक्ट्स, दोज थिंग्स विच इन विच यू हैव पैशन फॉर इट. तो अगर और इस वक्त जो है अभी आपको वही करना है जो अभी जिस सिचुएशन में आप हो, तो अच्छा ये हो कि यू ट्राई टू इन्जॉय दैट प्रोसेस. ट्राई नॉट टू कंप्लेन अबाउट इट. ट्राई टू मेक श्योर यू नो लाइक यू आर एबल टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो दिस वॉज द मैसेज फॉर सैजिटेरियस. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि विच इज़ कैप्रिकॉर्न. तो आइए पता लगाते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है आने वाले हफ्ते के अंदर. सो दिस इज़ जस्ट टू लेट यू नो, हम 18 से 25 जुलाई 2021 के लिए आपके लिए ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वॉट इज दैट, हाउ विल बी योर वीक, वॉट आर द मैसेजेस फॉर यू. दिस इज़ वॉट, दीज आर द मैसेजेस विच आई एम गिविंग इट टू यू. सो अभी जो राशि जो हम अब हम कवर करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉर्न, इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज एंड बिजनेस, वॉट एवर इट इज़. लेट्स सी, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न. सबसे पहली बात कैप्रिकॉर्न के लिए ये बात आती है कि यू हैव कम टू अ स्टेज, यू हैव फाइनली कम टू अ स्टेज इन योर लाइफ जहाँ पे आपकी लाइफ में एक इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, कि आपकी लाइफ में एक तरह की मेच्योरिटी आ गई है, दैट यू आर एबल टू हैंडल द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. जिसका मतलब है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ अ यिन एंड यांग, देर इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज कमिंग टुगेदर. जब हम भगवान शिव को जो है जब हम पूरे फुल फॉर्म में देखते हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो अर्ध नारेश्वर उनका फॉर्म है, जिसमें पार्वती जो है उनमें समा गई है. पार्वती जो है वो फीमेल पार्ट है, जो मेल पार्ट है वो है शिवा, एंड द मेल एंड द फीमेल एनर्जीज आर मर्जिंग टुगेदर. सो वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न कि उनकी मेल और फीमेल एनर्जीज जो हैं वो इट्स फाइनली मर्जिंग. सो दिस वीक विल बी वेरी ब्यूटिफुल. दिस वीक दैट मीन्स यू नो दैट वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू अचीव यू विल बी एबल टू अचीव इट वेरी इजिली. इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो अगर हम देखें
तो वो ऐसा साथी जिसके साथ आप हमेशा होना चाहते थे, वो उसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, उस साथी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन शो करता है और उसके साथ एक बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ द मैसेज ऑफ लव फॉर यू। और अगर हम बात करें मनी को लेके, करियर को लेके या बिजनेस को लेके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच इज़ गोइंग ऑन। तो आपके लिए यही मैसेज है इसके लिए कि जितना आप कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आपको यू नीड टू शेड सम वेट। आपको जो है आपके ऊपर जो इतना जो बोझ पड़ा हुआ है, अच्छा ये होगा कि ये बोझ जो है थोड़ा सा आसपास के लोगों को दे दिया जाए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लीजिए, सब कुछ जो है अपने कंधों पे लेके मत चलिए, नहीं तो आप अपनी मंजिल को चूक जाएंगे। सो द मैसेज फॉर यू इज दैट कैरी व्हाट यू कैन कैरी इन अ ब्यूटीफुल वे, डोंट लेट इट बिकम अ वेट। चीज़ों को वेट की तरह मत कैरी करिए, चीज़ों को अगर आपने कैरी ही करना है तो इट शुड नॉट फील लाइक अ वेट। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। तो ये था मैसेज कैप्रिकॉर्न के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि विच इज एक्वेरियस। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए हमने कार्ड्स निकाल दिए हैं। एक्वेरियस के लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये, एक तो ये मैसेज है कि आप फाइनली एक ऐसी स्टेज पे हैं जब आपके अंदर एक तरह की मैच्योरिटी आ रही है और चीज़ों की सही समझ आ रही है। किन चीज़ों से आपको दुख मिलता है, आप उसको जो है उनके लिए जो है केयरफुल हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे अगर आप हर बार ये अल्कोहल लेते हैं और आपको जो है अंदर एक हमेशा एक तकलीफ़ होती है और बाद में रिग्रेट होता है कि यू नो आई शुड नॉट हैव यू नो टेकन दिस अल्कोहल, आई शुड हैव नॉट स्मोक्ड, या फिर इस तरह की कोई रिग्रेट्स जो आपके जीवन में रहते हैं, जो कार्ड जो शो करता है, जो एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज शो करता है कि इस वीक जो है आपके भीतर जो है एक तरह की रियलाइजेशन आ रही है कि दैट फाइनली यू आर एबल टू कम टू दिस स्टेज दैट वेयर यू आर एबल टू बी अवेयर। अब आप थोड़े से अवेयर हो गए हैं कि अब आप जो है कि आपको एक डिस्क्रिमिनेशन आपके अंदर आ रहा है कि वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ राइट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रास्ता लेना है। अगर आप गलत रास्ते जाते हैं तो आपकी खुद की चॉइस है कि आपने वो रास्ता लिया है। अगर आप सही रास्ते जाते हैं तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि आपने वो रास्ता लिया है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज विच हैज़ कम फॉर यू। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, लव की, मैरिज की, तो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक टाइम चल रहा है। अगर जो रिश्ता जो बहुत टाइम से जो नहीं हुआ था तो वो ऑलरेडी एक सिचुएशन शो कर रही है कि दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन। A very strong relationship, a very experienced relationship, a very mature relationship is shown, which is very good. In terms of money also, you don't have to worry at all. Money is very good this week. Aapko, it shows that you will be rewarded for your effort. Ki aapko appreciate kiya jayega aapke kaam ke liye. And finally, people will be able to realize, you know, the kind of person you are. So this is the message for Aquarius. Let's move on to the next Rashi now. And the next and the final Rashi is Pisces. Let's find out Pisces ke liye kya message hai. Pisces ke liye ek bada interesting message aaya hai, wo ye ki that you are actually connected to a teacher. You are connected to a master. You are connected to someone who is elderly to you, who is showing you the path. Aapke liye ye message hai, Pisces aapke liye ye message hai is aane wale hafte mein ki aap apne guru, apne teacher ke saath connect kariye. और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। प्रॉब्ली यू आर एट अ स्टेज वेयर यू नीड अ गाइडेंस, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू कनेक्ट विद योर एल्डर पीपल, कनेक्ट विद योर टीचर हु इज़ गोइंग टू शो यू द पाथ। और उसी से रिलेटेड जो है, अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके लव और रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, टेक अ ब्रेक, टेक सम टाइम आउट, कुछ थोड़ा सा समय जो है अकेले हो जाइए। अभी रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए, शादी वगैरह के बारे में मत सोचिए। दिस इज़ अ टाइम यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ। देर इज़ अ वूंडिंग विच हैज़ हैपन्ड इनसाइड ऑफ यू एंड यू नीड टू हील योर सेल्फ। दिस इज़ वॉट इट इज़ टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव रिलेशनशिप एंड मैरिज। और अगर हम बात करें मनी को लेके, वहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। कन्फ्यूजन इसी बात का है कि कोई तरह का एक तरह का प्रोसेस शो करता है जिससे आप गुजर रहे हो। इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, प्रॉब्ली इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम इन योर लाइफ विच यू आर गोइंग थ्रू, जिसकी वजह से आप इनसाइड एंड आउटसाइड देर इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट पीरियड यू आर गोइंग थ्रू। सो आपके लिए बेस्ट अभी जो इस वक्त के लिए जो रहेगा, टेक अ ब्रेक, गो समवेयर, स्पेंड सम टाइम अलोन, हील योर सेल्फ एंड कम आउट। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर पाइसिस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो।
ये रीडिंग्स आपके लिए मैंने की थी 18 से 25 जुलाई तक, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. नमस्ते.